पुत्राजी तने सुनी एक बात सोची, सब लोग तो कही रहे थे मड़को देख के तुम्हारे मुंह में पानी भरे आ, तुम भी लालच में पड़ गए, दबे पांव निकल गए। इनके जो भाई थे प्रसन्न सारी बात जाके बताई है, श्याम सुंदर मड़को देख के लालच में पड़ गए। प्रसन्न कहने लगा भैया ये मड़ तुम हमें दे दो, हम अपने पास में रखते हो, अगर हमसे मड़ मांगी तो हम ऐसी बात कहें दोबारा जुबान पर शब्द ही ना आए। सत्यजीत ने अपने गर्दन से मड़ उतार करके प्रसन्न के गर्दन में डाल दी और प्रसन्न अश्व पर सवार होके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शेर सामने से आ गया, शेर ने चमकती हुई मड़ देखी तो प्रसन्न को मार दिया। मड़ को लेके जामवंत की गुफा से निकल के भागा। जामवंत ने जब शेर के मुंह में मड़ देखी तो शेर को मार दिया, मड़ को लेके गुफा के अंदर चले गए। प्रसन्न जब लौट के नहीं आए तो सत्यजीत ने एक बात सोची, हमें ऐसा लग रहा है हमने कन्हैया को मड़ मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और वो मड़ ले लिया। लेकिन ये बात कही किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। और सोचा क्या जो लाए हो सो